हाय फ्रेंड्स, मेरा कृष्णा भी और अपने ब्लॉग चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, जो स्कूल प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेल, जो कि जो मैंने लिया है ड्यूरा सेल लिया है, क्योंकि ये पैनासोनिक का सेल लिया था। ये चलता तो है पर बहुत स्लो चलता है दोस्तों, तो इसे तो हम रख देते हैं साइड में। और एक कॉपर कॉइल इस प्रकार से बनाई गई है पाइप के ऊपर, स्टील के पाइप के ऊपर इसको गोल घड़ी कर करके बनाया गया है, जिस प्रकार से आप बना सकते हैं लपेट लपेट के। और तीसरे नंबर की चीज़ हमें चाहिए, जो कि है मैग्नेट, जो नियोडाइमियम मैग्नेट है, जो इसका अमेजन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कॉपर वायर वही लेना है जिसके ऊपर इनेमल नहीं चढ़ा हो, मतलब प्लास्टिक का एक छोटा सा कवर हो, या तो उसको रेजमाल से आप घींच के, मतलब खरोच के घींच के आप कॉपर कॉइल घर पे बना सकते हैं, या फिर आपको मैं इसकी भी अमेजन लिंक दे दूंगा, तो आपको अमेजन पे ये मिल जाएगा। और मैं नियोडाइमियम का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ये भी मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं, हम इसको साइड में रख देते हैं। और दोस्तों, हम सेल को भी थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे कि ये मेरे पास एक मार्कर है, इससे ये पता रहेगा कि मैं आपके सामने शुरू कर देता हूँ। ये हमारे नॉर्थ है, जो कि पृथ्वी का नॉर्थ है। तो हम इसके ऊपर एक मैग्नेट को रखेंगे, अगर तो ये अगर घुमाएंगे तो ये इधर ही रुकेगा, इसका मतलब इसका साउथ है ये। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे साउथ, एस, ये एस हमने लिख दिया इसके ऊपर, आपको दिख रहा है। और इधर लिख देंगे हम एन। सेम ऐसा ही हम दूसरे चुंबक के साथ भी करेंगे, जो मैग्नेट है उसके साथ। इसको हम ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पे घूम नहीं पा रहा है क्योंकि ऐसा टूट चुका है थोड़ा सा। इसको हम टेबल पे रख के घुमाते हैं, जो आसानी से इसके लिए ये घूम रहा है। तो दोस्तों, इसका हो गया ये नॉर्थ की तरफ, क्योंकि पृथ्वी का नॉर्थ इधर है, तो ये हो गया एस, ठीक है। और ये हो गया एन, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम ये ड्यूरासेल लेंगे और दोनों चुंबक को लेंगे, और हम एस दोनों को बाहर रखेंगे। किधर रखेंगे? बाहर। तो हमने एक तरफ ये लगा दिया है और इसका एक बाहर, एस इधर रखेंगे। अब हम रजिस्टर को हटा लेंगे। और अब हम हमारी कॉइल को सामने लेके आएंगे। अभी दोस्तों, एस इधर है और इधर है, तो ये जो बैक साइड का है, इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही टच होगा इसकी कॉइल से, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू करेगा। जब इसका सेकेंड वाला मुंह, जो कि पॉजिटिव साइन है प्लस वाला, ये भी टच होगा, तो इस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। अगर दोस्तों, अगर आप इसको देख लें कि ये जो पॉजिटिव प्लस और ये माइनस नेगेटिव, तो हमेशा जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो हमेशा प्लस की से माइनस की तरफ भागती है। तो ये देखिए, यहाँ से जब प्लस की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी माइनस की तरफ भागती है, तो ये जब चुंबक जमी इसके से टच होता है और ये वाला इससे टच होता है, तो इसके अंदर कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से जनरेट होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से उधर की तरफ भागेगी कॉइल के अंदर, तो ये एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज भागेगी तो इधर नॉर्थ बनेगा, क्योंकि उधर जा रही है तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और इसमें साउथ बनेगा। तो ये जब टच होगा इसके अंदर कॉइल के अंदर, तो ये भागेगा बनेगा। अब अगर हम देखें, इसको एन को बाहर कर देते हैं और इसका एन इसको भी बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इलेक्ट्रिसिटी आप समझ रहे हैं, जाना तो वैसे ही इसको, पर अब वो जाएगी नॉर्थ पोल को इधर बनाएगी पीछे की तरफ, और साउथ को इधर बनाएगा, तो उसको ये अट्रैक्ट करके भागेगा और इसको पुश करेगा इधर, तो ये सेल चेंज हो गया। तो अब आप घुमाने के बाद सेल को देख सकते हैं, ये भागा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसकी थ्योरी है, और ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है स्कूल में बनाने के लिए, तो आप इसको बना सकते हैं।
पर दोस्तों इसमें कुछ प्रोजेक्ट में बहुत सावधानी रखना होती है। वो ये रखना होता है कि जो सेल का डायमीटर होता है उससे चुंबक का डायमीटर हमेशा बड़ा होना चाहिए ताकि वो कॉइल को टच कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर सावधानी रखना होती है। ये ट्रिपल ए साइज़ का सेल है। अगर ये ड्यूरासेल आपको नहीं मिलता मार्केट में तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं इसको। और कॉइल दोस्तों कॉपर वायर से बनाना है, क्योंकि आप कॉपर वायर से जब बनाएंगे तो इसमें मैग्नेट चिपकता नहीं है और इससे टच रहता है। तो कॉपर वायर से जब आप बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनेमल चढ़ा हुआ अगर कॉपर वायर मिलता है मार्केट से तो उसको रेजमाल से ला के घिसने के बाद कॉइल बनाएं, और नहीं तो मैं इसके विदाउट इनेमल वाला कॉपर वायर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो वहाँ से आप ख़रीद लीजिएगा। नियोडाइमियम शेस आपको मैग्नेट ये आपको अमेजन से ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने भी अमेजन से ही ख़रीदा है, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप ख़रीद लीजिएगा। और 15 mm का जो भी आपको ख़रीदना है वो वहाँ से आप चेंज करके देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों सेल हमेशा छोटा होना चाहिए इससे मैग्नेट से इसके डायमीटर में, ताकि ये कॉइल को छू सके। और अगर दोस्तों अगर आप डबल ए साइज़ का ड्यूरासेल लेते हैं जिसमें डबल ए साइज़ होता थोड़ा मोटा होता इससे, तो उसमें आपको शायद 18 mm डायमीटर वाला मैग्नेट लेना होगा, तो उसको भी आप नियोडाइमियम सेल जो है मैग्नेट आपको मिल जाएगा अमेज़न पे, उसी लिंक के नीचे आसपास कहीं आपको देखने को मिलेगा अमेज़न पे। और अगर इसी साइज़ का लेना है और भी इतना मोटा तो उससे बड़ा आपको मैग्नेट लेना होगा। इस चीज़ का सावधानी का हमेशा ध्यान रखना होगा आपको। ये कुछ सावधानियाँ छोटी मोटी रख लेंगे ध्यान, तो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन का मॉडल तैयार हो जाएगा। जापान में बुलेट ट्रेन इसी थ्योरी पे भागती है आगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।